हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि पीएचडी से रिलेटेड है। अगर आपने अपना पीजी जो है वो कंप्लीट कर लिया है और आप चाहते हैं कि आप कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी अपना कंप्लीट करें, तो मैं लेके आया हूँ कि इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ से है। और ये यूनिवर्सिटी जो है बीबीएयू, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो अगर आप पीएचडी यहाँ से करेंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपुल। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए जाए वीडियोस का जो नोटिफिकेशन वो टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप ऐसी कोई भी वैकेंसी से आप दूर ना रह सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है BBAU, जिसका मतलब है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा। तो एक नई विंडो में आप देख सकते हैं जो वेबसाइट दे रखा है www.bbau.ac.in। तो आपको इस पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो बीबीएयू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने पे आपको क्विक लिंक्स में मिलेगा ऑनलाइन एंट्रेंस 2020-2020-21। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा जिसमें एडमिशन से रिलेटेड जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो दे रखे हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेटिव बुलेटिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, सिलेबस इंट्रेंस एग्जाम का क्या है वो भी दे रखा है, शेड्यूल भी दे रखा है। और अगर आपको कोई कॉन्टेक्ट करना है किसी टेक्निकल सपोर्ट, या आपको अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही फॉर्म फिलअप करने में या फी पेमेंट में, तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर टेक्निकल सपोर्ट में भी कॉल कर सकते हैं। अब इन्होंने देखिए इंपॉर्टेंट डेट दे रखी है कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सटेंडेड टिल 10 अगस्त। तो इन्होंने जो एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की डेट है वो 10 अगस्त को तक बढ़ा दी है। तो अब आप यहाँ पे जो क्या है, आप अपना पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था वो 27 मई 2020 को हुआ था, वहीं अगर बात लास्ट डेट सबमिशन की तो इन्होंने बढ़ा के 10 अगस्त 2020 कर दिया है। अब जैसे आप अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद एक नया विंडो ओपन होगा। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट डेट रखी है, वेडनेसडे 27 मई को स्टार्ट हुआ था और इसकी जो एंड डेट है अप्लाई करने की वो 10 अगस्त 2020 है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ से अपना, अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर हैं तो आपको नया, अगर आप नए हैं तो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके साथ ही आप इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट में कि फी भी कितना है, कि फी पेमेंट आपको कितना करना पड़ेगा। तो चलिए इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक कर रहे हैं तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड हो जाता है। तो हम देख लेते हैं फी पेमेंट कितना है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो स्क्रॉल डाउन करते रहिए तो इसमें टेबल दे रखा है, ये अच्छी चीज दे रखी है। सेंटर्स भी आप देख सकते हैं कि सेंटर फॉर द इंटरनल टेस्ट कहाँ कहाँ पे हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हैं। तो आप जिस भी फील्ड के लिए या जिस भी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हों, आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखें, उसके बाद ही अप्लाई करें। चलिए अब रजिस्ट्रेशन फी देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन फी कितना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आ जाएगा रजिस्ट्रेशन फी। तो देखिए जितना भी जो भी जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी के हैं, या जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, या जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, उनके लिए जो एप्लीकेशन फी वो 1000 रुपये फी है, ठीक है। वहीं अगर बात की एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप या वुमेन कैटेगरी की, तो उनके लिए जो एप्लीकेशन फी है वो है 500 इंडियन रुपी, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये आपकी रजिस्ट्रेशन फी हो गई। इसके साथ सर अगर आप एक से ज्यादा कैटेगरी में या एक से सारा जो सब्जेक्ट में है अगर उसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन फी पे करना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने कोई इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगा वो बोला गया है ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी बोर्ड भी बोलते हैं। तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए भी आप जो है अप्लाई करेंगे उसमें आपको सीबीटी बोर्ड एग्जाम ही देना पड़ेगा। इसके साथ साथ इन्होंने जो सिलेबस है वो भी दे रखा है, साथ ही इन्होंने बताया जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन वो 2 आवर का होगा, जिसमें कि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। वहीं इन्होंने सिलेबस जो है वो ऑफ द इंटरनल टेस्ट फॉर एमपिल एंड पीएचडी विल बी 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी। मतलब जो इंटरनल टेस्ट का जो पार्ट ए होगा उसमें जो सिलेबस होगा वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन बिलोंग होंगे। तो क्वेश्चन जो भी आएंगे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से आएंगे 50%। उसके बाद 50% जो क्वेश्चन होंगे वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। मतलब अगर आपने बॉटनी फिल किया है तो आपको बॉटनी से 50% क्वेश्चन आएंगे, और जो 50% क्वेश्चन होंगे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से आएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे आप एमफिल और पीएचडी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मेंशन किया गया है। इसके साथ ही साथ इन्होंने हाउ टू अप्लाई का पूरा फॉर्म फिलअप करके इन्होंने खुद दिया कि आप कैसे फिलअप करेंगे। तो ये नीचे आप जितना स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जो अपना ऑनलाइन फॉर्म है इसका वो कैसे फिलअप करेंगे।
तो आप स्क्रॉल डाउन करके इसे देख सकते हैं, और उसके बाद आप जो है अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा नोटी वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया है लेटेस्ट पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन इन द बीबीए यूनिवर्सिटी। तो अगर आपको इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है तो आप इस यूनिवर्सिटी से जो है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो बीबीएयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ से अगर पीएचडी करना करना चाहते हैं या करते हैं तो आपको यहाँ पे जो स्टाइपेंड वो 8,000 रुपीज मिलेगा, क्योंकि मोस्टली जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं जो टॉप 10 में आती हैं मोस्टली उन सब में जो स्टाइपेंड है वो 8,000 पर मंथ मिलता है नॉर्मली। तो स्टाइपेंड वो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिलना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी भी हैं जहाँ पे आपको जो स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है। लेकिन बीबीएयू में हो गया, या यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गई, या हम कह सकते हैं पौंडिचेरी यूनिवर्सिटी होगी या दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, तो ये टॉप यूनिवर्सिटी हैं। तो इन सब में अगर आप इनमें से पीएचडी करते हैं तो आपको जो स्टाइपेंड है वो 8,000 रुपीज मिलेगा। अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है, तो अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है ना नेट है, तब भी आप अगर इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करेंगे तो आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो 8,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें ऑल पे, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे और आप कोई भी वीडियोज को मिस ना कर सके। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।